नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है और मिल्खा सिंह की सीख, उनकी खेल भावना और जज्बे पर कहे उनके बोल किसी को कड़वे लग सकते हैं, लेकिन वो है बिल्कुल सही, बिल्कुल सच। कई रिकॉर्ड बनाने वाले मिल्खा सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। 90 साल की उम्र के बाद भी उनका अगर फिटनेस देखें, उनका जुनून देखें, तो देखते ही बनता है। उनके लिए फिटनेस बेहद ज़रूरी रही और वो कहते हैं कि बदलाव फिटनेस से ही आएगा। ये जो एक लाइन मैंने आपसे शेयर की है कि बदलाव फिटनेस से ही आएगा, इसमें उनका बहुत बड़ा फिटनेस मंत्र छिपा हुआ है। वो कहते हैं कि बदलाव फिटनेस से ही आएगा और मैं जो ये चल फिर रहा हूँ वो केवल फिजिकल फिटनेस की वजह से ही हो पाया है। एक बात मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि उनके डॉक्टर ने जो आखिरी वक्त में उनके साथ थे, उन्होंने उनको 30 दिन तक कोरोना से लड़ते हुए देखा। उनका ये कमेंट था मिल्खा सिंह के लिए, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, कि इनकी जगह अगर कोई यूथ होता तो वो शायद एक दिन भी इस तरीके से लड़ाई ना लड़ पाता और घुटने टेक देता, लेकिन मिल्खा सिंह ने कोविड के साथ 30 दिन तक अपनी लड़ाई जारी रखी। और मिल्खा सिंह अक्सर जब भी किसी गेट टुगेदर में होते तो एक ही बात पे वो जोर देते कि कम खाओ, क्योंकि सारी बीमारी पेट से शुरू होती है। अगर चार रोटी की भूख है तो दो खाइए, जितना पेट खाली रहेगा आप भी उतने ही ठीक रहेंगे। इसके बाद मैं चाहूंगा कि 24 घंटे में से 10 मिनट जो है आप खेल के मैदान में जरूर गुजारें। और उन्होंने एक बात और कही थी कि पार्क हो या सड़क, आप 10 मिनट तक तेज वॉक कीजिए और अच्छे से कूद लीजिए, अच्छे से हाथ पैर चला लीजिए, आपके खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा और बीमारियां आपकी कम होंगी। और आपको भी मेरी तरह डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। सेहत के लिए 10 मिनट बेहद जरूरी हैं। और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ स्टार स्टील के एक इवेंट में मिल्खा सिंह की स्पीच, उन्हीं के शब्दों में जो उन्होंने उस दिन यूथ के साथ शेयर की थी। दोस्तों, ये उनकी स्पीच बेहद मोटिवेशनल है, फिटनेस से सराबोर है और बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। वो कहते हैं कि मेरे जमाने में 3 स्पोर्ट्समैन हुए, मैं, लाला अमरनाथ और मेजर ध्यानचंद। एक दिन नेशनल स्टेडियम के अंदर लाला अमरनाथ जी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैच खेलने के लिए उन्हें 2 रुपए मिलते हैं और थर्ड क्लास में उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। और अब हालात कितने बदल गए हैं, विराट कोहली के पास कितना पैसा है, इतनी दौलत है, सचिन कितने अमीर हैं, लेकिन तब इतना पैसा नहीं होता था। और ध्यानचंद जी जैसा हॉकी प्लेयर आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल में जब वो खेल रहे थे तो हिटलर ने उनसे कहा था कि ध्यानचंद जी आप यहीं रह जाइए, आपको जो भी चाहिए होगा हम देंगे। लेकिन ध्यानचंद ने कहा था कि मुझे अपना देश प्यारा है, मुझे वापस जाना है। और 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मैंने पहला गोल्ड मेडल जीता तो क्वीन ने मुझे गोल्ड मेडल पहनाया और स्टेडियम में करीब 1 लाख अंग्रेज बैठे हुए थे, उनमें गिने चुने से भारतीय भी थे और उन्हीं में से एक भारतीय महिला मेरे पास दौड़ती दौड़ती आती है और कहती है कि मिल्खा जी, जवाहरलाल जी का मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि मिल्खा से पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो जानते हैं मैंने क्या जवाब दिया, मैंने उस दिन क्या मांगा, सिर्फ एक दिन की छुट्टी। मैं पंडित जी से बहुत कुछ मांग सकता था लेकिन मांगने में शर्म का भाव आता है। तब मेरी तनख्वाह केवल 39 रुपीज और 8 आनस थी, सेना में सिपाही था, उसी में हम गुजार बसर करते थे। और आज इतना पैसा आ गया है और खेल में इतने लेटेस्ट इक्विपमेंट आ गए हैं, जितने स्टेडियम उस समय नहीं थे आज देखिए कितने बड़े बड़े स्टेडियम आ गए हैं। मगर मुझे दुख इस बात का है कि
1960 में जो मिल्खा सिंह ने रिकॉर्ड बनाया, वो आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी उस रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सका। मुझे इस बात की तकलीफ है कि आप आगे बढ़िए, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। ओलंपिक में मेडल जीतना अलग स्तर का काम है। वहां पर 220, 230 देशों के खिलाड़ी आते हैं जो अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं और जी जान से खेलते हैं। और हमें स्विमिंग में मेडल जीतना है, फुटबॉल में मेडल जीतना है, हॉकी में मेडल जीतना है। एथलीट की दुनिया में नंबर वन गेम मानी जाती है, एथलीट दुनिया की नंबर वन गेम मानी जाती है। उसमें जो मेडल ले जाता है, दुनिया उसी को याद रखती है। उसेन बोल्ट को पूरी दुनिया जानती है और कहती है कि जमैका का वो खिलाड़ी है। भारत की आजादी के बाद से केवल 5 या 6 खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचे, लेकिन मेडल आज तक नहीं लेके आ सके। मैं भी उनमें से एक हूं। जब कोई वहां तक पहुंचेगा, तब मैं मानूंगा कि बदलाव आया है। तो ये उनकी स्पीच के कुछ अंश थे जो उन्होंने उस दिन शेयर किए यूथ से। और आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। आज कितनी सारी सुविधाएं हैं, कितने सारे स्टेडियम हैं, कितने सारे कोच रहते हैं सिखाने के लिए। और उस समय, जिस समय की बात मिल्खा सिंह कर रहे हैं, उस समय ना तो बहुत सारे खिलाड़ी हुआ करते थे। उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार किया कि उनके जमाने में 3 स्पोर्ट्समैन थे, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ और मेजर ध्यान सिंह। तो वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि इनके लेवल तक जब कोई पहुंचे तब बदलाव महसूस होगा। दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि उसेन बोल्ट को पूरी दुनिया इसीलिए जानती है क्योंकि वो जमैका का खिलाड़ी है, और वहां तक पहुंचने के लिए सबको मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तब लगेगा कि बदलाव हुआ है। तो मैंने शुरू में एक बात का जिक्र किया था कि सच हमेशा कड़वा होता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।